हेलो एवरीवन, वी आर टीम ऑफ मोनिकास नर्सिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है, यानी ये भी एक डक्टलेस ग्लैंड है और ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में रिलीज करती है। ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन में एक बोनी कैविटी है, बोन की बनी हुई कैविटी है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्शिका। वहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये कौन सी बोन से बनी है ये पूछा जाता है, तो ये सिफेनॉइड बोन से बनी होती है और साथ में ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होती है। हाइपोथैलेमस भी एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, उसी के साथ कनेक्टेड होती है हमारी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। और किसके साथ कनेक्टेड होती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ कनेक्टेड है। अब इस स्टॉक का काम क्या है, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। और ये रिलीज हाइपोथैलेमस से होते हैं लेकिन ये स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके। स्टॉक के थ्रू जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसके थ्रू जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं और जब भी बॉडी को जरूरत होती है तो यहीं से रिलीज होते हैं। पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो उसका मेन पार्ट है उसे हम बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस, इसके साथ एक बीच में एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो इसमें से जो मेन पार्ट है इसका पार्स डिस्टैलिस, वो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जिसको कि हम सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा ल्यूटेंजिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का सेकंड स्ट्रक्चर पार्स इंटरमीडिया ये ऑलमोस्ट पार्स डिस्टैलिस के साथ ही मर्ज्ड होता है और ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेनोसाइट सेल्स को जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है और ये मिलेनोसाइट्स जो है ये पिगमेंट रिलीज करते हैं जिससे कि हम बोलते हैं मेलेनिन। और ये मेलेनिन बॉडी को स्किन कलर देने का काम करता है। जितना ज़्यादा बॉडी में मेलेनिन बनेगा उतना ही डार्क कम्प्लेक्शन आपको उस पर्सन का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये मेलेनिन कम बन रहा है तो उतना ही फेयर कॉम्प्लेक्शन उस पर्सन का होगा। इसके साथ साथ जो मेलेनिन है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी ये स्किन कैंसर प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल रहे थे। अब ये दो हार्मोन्स को स्टोर करके रखती है जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन है ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, तो ये यूट्रस में ड्यूरिंग बर्थ हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन को जिससे कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलती है। इसके अलावा मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करता है मैमरी ग्लैंड से। जो दूसरा हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसके जो रिसेप्टर्स हैं ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं और इसका मेन फंक्शन है कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्सॉर्प्शन भी करवाता है और रिड्यूस करता है डायरेसिस यानी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को कम कर देता है, वाटर लॉस को कम कर देता है। अगर हमारी बॉडी में डिफिशेंसी हो रही है एंटी डायरेटिक हार्मोन की, उस वजह से बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूड लॉस होता है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। नॉर्मल यूरिन जो रहता है एक एडल्ट पर्सन में 1500 ml पर डे रहता है, लेकिन इस केस में जिसमें डेफिशिएंसी है एंटी डायरेटिक हार्मोन की वो अप टू 5 लीटर या इससे भी ज़्यादा यूरिन जो है वो रिलीज कर सकता है। तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, बॉडी में इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी में रिटेन रहता है, पेशेंट को यूरिन बहुत कम आएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर हार्मोन कम हो रहा है एंटी डायरेटिक, उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होगा। अगर हार्मोन इंक्रीज हो रहा है उस वजह से SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फॉर सच मोर वीडियोज काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।